महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है: धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 04600100006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 5020006636742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर चेतना नगर औरंगाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 4070166 1398, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। हे भाई, तुम्हारा राज्य और मेरा राज्य, हम दोनों को पिता ने ही राज्य दिया है। तुम यदि भाई के नाते मुझे बुलाते हो, नमस्कार करने को कहते हो, तो मैं तुम्हें अनंत बार नमस्कार करने को तैयार हूं। पर यदि तुम्हारा आदेश चक्रवर्ती का आदेश है, तो हे भूपेश चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के स्वामी भरत, मैं भी पदमपुर का नरेश हूँ। मैं अपनी सीमाओं का पालन करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। जब बाहुबली ने नमस्कार करने से मना कर दिया, तब भरत चक्रवर्ती की सेना पदमपुर की ओर कूच कर गई। पदमपुर की सीमाओं पर सेना आ गई, दोनों ओर की सेनाएं खड़ी हो गई। कई अक्षोहिणी सेना भरत चक्रवर्ती की थी, बाहुबली की सेना छोटी थी, फिर भी दोनों मंत्रियों ने विचार किया, दोनों सेनाओं के मंत्रियों ने विचार किया कि ये दोनों भाई हैं, ये दोनों महापुरुष हैं। भरत प्रथम चक्रवर्ती है तो बाहुबली प्रथम कामदेव है, ये दोनों चरम शरीरी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, पर ये मोहिनी कर्म इनको खिला रहा है, फिर भी इनके युद्ध में ये तो बच जाएंगे, पर इनके कारण से असंख्य जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोनों सेनाओं की मंत्रियों ने कहा, महाराज आप दोनों नरेश हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े शूरवीर हैं, तो आप दोनों को जीतना है। हम प्रार्थना करते हैं कि द्वंद्व युद्ध आप दोनों के बीच में हो, सेनाओं का विनाश, सेनाओं का ध्वंस ना हो। दोनों राजाओं ने मंत्रियों की बात को स्वीकार किया और वह इस काल का युग का पहला अहिंसक युद्ध था, जिसमें ऐसा युद्ध था जिसमें कोई अस्त्र शत्रु का प्रयोग नहीं किया गया, कोई प्रकार का अस्त्र शत्रुओं से महाविनाश नहीं किया गया। युद्ध तो हुआ पर अहिंसक युद्ध हुआ। वो युद्ध कैसा हुआ? दोनों सेनाओं के मंत्रियों ने तय किया कि 3 युद्ध होंगे। पहला युद्ध दृष्टि युद्ध, दूसरा जल युद्ध, तीसरा मल्ल युद्ध, और इन 3 युद्धों में जो विजय को प्राप्त करेगा वही विजेता कहलाएगा, पूरी धरती उसकी होगी। चक्र अयोध्या में ना जाए, सब भ्राता को भरत बुलाए,
जय आदिनाथ बोलो, जय बहुत जय सुंदर। आदिनाथ, जय आदिनाथ आदिनाथ बोलो, बोलो जय 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 आदिनाथ। आदिनाथ। सब भाई मुनि दीक्षा पाए, बाहुबली संग युद्ध रचाए, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ आदिनाथ बोलो बोलो, जय 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 आदिनाथ। आदिनाथ। महान भावों वह युद्ध दोनों भाइयों के बीच था। देखिए दोनों देश प्रति हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, पर बाहुबली ने कहा कि मैं अपनी सीमाओं का रक्षण करने को सन्नद्ध हूँ, सक्षम हूँ, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। और भरत चक्रवर्ती है, उसने कहा ये शठखंड की भूमि मेरी है, इसलिए तुम्हें झुकना ही होगा। और झुकाने के लिए दोनों तैयार हुए। पहला युद्ध शुरू हुआ, दृष्टि युद्ध। नियम था कि दोनों एक दूसरे को अपल देखेंगे और जिसकी पलक पहले झपक जाएगी वही हार जाएगा, और जिसकी दृष्टि नहीं झपकेगी वह विजेता कहलाएगा। दृष्टि युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों एक टक देख रहे हैं, भरत देख रहे हैं, बाहुबली देख रहे हैं, पर बाहुबली नीचे की ओर देख रहे हैं, भरत ऊपर की ओर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरत की अवगाहना 500 धनुष की थी और बाहुबली की अवगाहना 125 धनुष की थी, 525 धनुष। तो 500 धनुष वाला उसको गर्दन ऊपर करनी पड़ रही थी, और जो सतवा 500 का था उसकी गर्दन आराम से नीचे थी। इस कारण से पहले युद्ध में बहुत देर तक देखते 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 आखिर में भरत चक्रवर्ती के ही नेत्र पलक झुक झुक गए, और पहले युद्ध में भरत चक्रवर्ती हार गए। बाहुबली की सेना में जय नाद हो गया, सिंहनाद हो गया। कि दृष्टि युद्ध में जय गोमटेशा, दृष्टि युद्ध दल्ली जय गोमटेशा। और उसके बाद प्रारंभ हुआ जल युद्ध। दोनों योद्धा, दोनों महाबली सरोवर के अंदर उतरे, और सरोवर में बाहुबली ने कहा भ्राता आप बड़े हैं इसलिए पहले आप प्रहार कीजिए। और भरत ने अपने थपेड़ों का पानी जोर से बाहुबली पर फेंका, लेकिन बहुत जोर से फेंका गया पानी भी भरत के छाती तक ही आया, बाहुबली की छाती तक ही आया। भरत ने बहुत पानी फेंका पर वह बाहुबली को झुका नहीं पाया, और जब बाहुबली ने एक थपेड़ा जोर का मारा वो जाकर के सीधा बाहुबली भरत के चेहरे पर गया, और भरत का वही चेहरा फिर गया। दूसरे युद्ध में भी भरत हार गए और बाहुबली जीत गए। तीसरा युद्ध हुआ मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध में दोनों महाबली युद्ध के मैदान में आ गए, मलखम में आ गए, अखाड़े में आ गए, और ताल ठोकते हुए पैतरा बदलते हुए एक दूसरे के आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। भरत ने बाहुबली को धराशायी करने का प्रयास किया, लेकिन वह हिला भी नहीं पाए, और बाहुबली ने एक ही झटके में अपने दोनों हाथों में भरत को उठा लिया। भरत को उठा करके बाहुबली ऊपर घुमा करके फेंकना ही चाहते थे, इतने में अंतर्बोध हो गया, अरे बाहुबली तू राज्य के मद में, धन के मद में कितना अंधा हो गया,